अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजेंटी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अभी दोस्तों शाम का टाइम है और अपने सारे कबूतर बंद है। दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बना रहा था ना, तो उसके ऊपर मुझे एक कमेंट ज़्यादा आ रहे थे, गुल्लू भाई आप अपने कबूतर को उड़ाओ, आप अपने कबूतर को उड़ा के दिखाओ। तो दोस्तों अभी मौसम मस्त है, तो मैं अपने कबूतर को उड़ाने वाला हूँ। जो दोस्तों मुझे कबूतर उड़ाना है ना, पहले वही कबूतर हम खोलेंगे। अभी आप देख सकते हैं दो कबूतर खुले हैं मेरे, एक सफ़ेद वाली मादी, इसके पास में एक बच्चा है, और एक नीचे में खुली है काली वाली मादी, इसके पास में एक बच्चा है। दोस्तों ये कबूतर मेरे से सुबह बनने और थे, इसलिए इनको मैंने खुला छोड़ दिया था। और दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे में दाना पड़ा है, ये दोस्तों सुबह से मेरे से बनने और थे कबूतर, इसलिए इनको खुला छोड़ा था मैंने। अभी दोस्तों हम पेटी में से कबूतर निकालते और कबूतर को उड़ाते, तो देखना दोस्तों आप मेरे कबूतर किस तरीके से उड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते शुरू। और जो भाई हमारे चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों एक ये मादी है, इसको निकालता है बाहर में। एक ये कबूतर है खैरा, एक तो ये हो गया, दूसरी ये मादी होगी, एक ये कबूतर है कलसीरा, तो इसको मैं उड़ाऊंगा आज। पहले तो हम इनको ऐसा खुला रख देंगे थोड़ी देर तक के, दाना पानी खा लेंगे इन लोग, तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं इनका दाना खाने का, फिर बाद में इनको उड़ाएंगे। तो अभी दोस्तों मैं कबूतर को उड़ाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो मैं खासतौर पे आप भाइयों के कमेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे भाई ने हमें कमेंट किया था, गुल्लू भाई अपने कबूतर को उड़ाओ, गुल्लू भाई आप अपने कबूतर को उड़ाते क्यों नहीं हो। तो देखिए दोस्तों आप, अभी मेरे कबूतर ने दाना पानी खा लिए, अब मैं उनको उड़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते क्या होता है, अपने कबूतर घर पे वापस आते हैं कि नहीं आते। वैसे दोस्तों मयंक भाई के भी कबूतर उड़ रहे हैं और एक ही मादी उड़ी नहीं, तो इसको हम हाथ से फेंकते हैं। तो दोस्तों देखिए आप किस तरीके से उड़ रहे हैं मेरे कबूतर, दोस्तों इनको ऐसा उड़ता देखते बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे तो बहुत दिनों के बाद हम कबूतर उड़ा रहे हैं, और पीछे में हमारे दोस्त के कबूतर उड़ रहे हैं, तो वो भी कबूतर हमारे कबूतर में उड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं आप अपने कबूतर कितने देर तक के उड़ते हैं। ये देखिए एक कबूतर टावर के पास गया उधर में, इधर जा रही है अपने कबूतर, और एक पीछे में उड़ रहा है। दोस्तों कबूतर भी सोच रहे होंगे कि आज गोलू भाई क्या हो गया, आज हमको ऐसा उड़ा रहे हैं। देखिए क्या मस्त उड़ रहे कबूतर। दोस्तों अभी 20 मिनट हो चुका है और अभी भी अपने कबूतर उड़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। देखिए 20 मिनट उड़े दोस्तों अपने कबूतर, और अभी भी उड़ी रहे, मस्त नीचे आ गए, और तीन कबूतर अपने ऊपर चिपके हुए। दोस्तों बहुत ही मस्त लग रहा है ऐसा देख के। दोस्तों ये वीडियो मैंने खासतौर पे आप भाइयों के कमेंट के ऊपर बनाया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों बहुत ही मस्त लग रहा है ऐसा उड़ते वक्त, ये देखिए अपने चारों कबूतर नीचे उड़ रहे हैं और तीन कबूतर अपने ऊपर लगे, ये देखिए तीन इधर उड़ रहे हैं ये साइड में। दोस्तों तीनों भी हाई फ्लायर है और ये चार इधर आ गए। अब दोस्तों कबूतर सुन रहे हैं, जैसे हमारी पीटी खुलती है वैसे हम नीचे उतर जाएंगे, वैसे तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। ये हमारे दोस्त के कबूतर है। तो दोस्तों देखिए आप, एक कबूतर यहाँ पे उतरा है और तीन कबूतर ऊपर बैठे हैं, कबूतर बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ रहे हैं। अभी देखते हैं हमारे ऊपर कितने कबूतर उड़ रहे हैं। एक ही उड़ रहा है खैरा कबूतर, और ऊपर दो कबूतर उड़ रहे हैं, एक बड़ा कलसीरा है और एक हमारी खैरी दोबट मादी है, जिसको हम सीजन में उड़ाते हैं हमेशा, बहुत ही मस्त उड़ रहे हैं। दोस्तों दोनों की जोड़ी बन चुकी है, ये जोड़ी हाई फ्लायर की अपने। दोस्तों बहुत टाइम के बाद इन कबूतर को मैंने उड़ाया हूँ, इसलिए कबूतर इतना खास नहीं उड़े, मगर फिर भी 20-25 मिनट अपने कबूतर उड़े हैं और कबूतर बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ रहे हैं। एक एक कबूतर आके बैठ चुका है, ये देखिए ये ऐसा बैठा है
दोस्तों ये मेरे घर पे रोज उड़ता है, मस्ती में उड़ता है, मगर ऐसी कभी हमने इसको उड़ाई नहीं। और बाकी कबूतरों के मुकाबले ये कबूतर ज़्यादा उड़ा है। और अपने घर की जोड़ी उड़ रही है सर पे, देखिए एक बड़ा कलसीर है उसमें और एक खैरी दो बाज है। दोस्तों बहुत ही मस्त लग रहा है अपने कबूतर को उड़ता हुआ देखते हैं। अभी देखते हैं ये कितने देर तक के उड़ते हैं। और दोनों भी साथ में उड़ रहे हैं, मतलब ऐसे ही एक दूसरे को देख के उड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी कबूतर धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। एक ही हमारा कबूतर उड़ रहा कलसीरा, और एक मादी का भी जनरल भाई, ये मादी उड़ रही है। ये देखिए ये कबूतर आ गया अपना कलसीरा, ये उड़ रहा है, अभी नीचे आ रहे। तो क्या करते अभी कबूतर खोल लेते अपने। तो चलिए दोस्तों खोलते अभी कबूतर हम। जल्दी से पूरे कबूतर खोल लेते हैं हम। वो मादी भी होंगे आसपास में, कहीं जाती नहीं कबूतर। सारे कबूतर दोस्तों मैंने खोल दिया, बस एक पेटी बची है अभी। फिर भी बहुत अच्छे उड़े हमारे कबूतर। एक कबूतर ये आ गया, एक नर एक मादी है, और ये पानी का मुझे हटाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पैसे है कबूतर अपने। अब देखते हो कबूतर कब तक के उतरते हैं। वैसे लैंडिंग ही नीचे तो आ गए अपने कबूतर। ये आ गया कलसीरा, बहुत ज़्यादा पैसे है, पानी भरना पड़ेगा उसके अंदर में भी। इसके ऊपर मिर्ची डाल के एक मिनट का खींचूंगा उसे। और ये उसके पीछे मादी। ये है मादी, ये आके बढ़ गया है। और ये उड़ रही मादी, मादी भी आके बैठ चुकी है। ये देखिए दोस्तों हम इसको रोज नहीं उड़ाते, इसलिए ऐसे दोनों पर लटका के बैठा है। हाँ अगर हम इसको रोज उड़ाएंगे ना तो कबूतर बहुत अच्छा उड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यही उड़ा और ऊपर भी होता है। दोस्तों आधा घंटा उड़ा कबूतर पहली बार में। ये देखिए ये उड़ाए थे, ये भी एक उड़ाए थे, मगर अभी ये नॉर्मल हो चुके हैं। अरे ऊपर बैठी मादी, ये देखिए उसका नर उसको परेशान कर रहा है। तो अभी दोस्तों तनवीर भाई पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी कम हो चुका है, तो पानी इसके अंदर डालना है और छत को भी साफ करना है। तो इतना सब दोस्तों हम काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने छत अच्छी तरीके से साफ कर लिया हूँ और अपने कबूतर दोस्तों अच्छी तरीके से उतर गए। अब दोस्तों कबूतर को मैं दाना पानी डालूंगा और कबूतर को बंद करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मेहनत करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।